अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जुनैरा और आप देख रहे हैं किचन विद जुनैरा। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुशहाल रखे, घर में बरकत दे, रिक्स में आप लोगों के बरकत दे। तो आप लोग मेरे लिए भी यही दुआ कीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक एंड शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में भी आप लोग मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल रायता, यानी कि हमारे साथ कभी अक्सर ऐसा होता है कि वेजिटेबल रायता हमारा खाने का दिल चाहता है तो आपके पास रेसिपी नहीं होती। तो आप लोगों के पास मैं इसी तरह से रेसिपी लेकर आई हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आइए हम अपनी रेसिपी बनाने चलते हैं कि कैसे बनता है रायता। मिक्स वेजिटेबल रायते के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दही को पहले थैली के अंदर अच्छी तरह से फेंट लें, उसके बाद या ग्राइंडर में डाल के फेंटें। ये हमारा अच्छी तरह से मैंने दही फेंट लिया है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है। अब मैं इसमें आपके सामने सामान डालना शुरू कर रही हूँ। सामान मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, देखते जाइएगा। रायते के लिए सबसे अहम और ख़ास ज़रूरी चीज़ है प्याज। प्याज के बगैर मज़ा नहीं आता, वेजिटेबल जो रायता बनता है उसके लिए प्याज लाजमी है। ये देखिए, प्याज डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे खीरा। कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं डालनी जैसे कि लाल मसाला हो या गरम मसाला हो, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी जो सूखा मसाला कहलाता है। हम सब वेजिटेबल के साथ बनाएंगे और इसमें सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो सूखे मसाले में जो हम कहते हैं वो डालनी है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। हरा धनिया डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा। इसमें हमने पहले प्याज डाली थी जो कि बहुत ख़ास चीज़ थी। अब इसमें हरा धनिया हो गया, मैं हाथ का कटिंग करके डाल रही हूँ क्योंकि हरा धनिया जो है वो थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा धो के पहले से रख लिया जाए और फिर उसको हाथ के हाथ कटिंग करके डाला जाए तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर बहुत टेस्टी लगता है इसमें। और इसके लिए हम, अगर बच्चे आपके रायता शौक से खाते हैं लेकिन वो स्पाइसी कम लेते हैं तो आप उसमें हरी मिर्ची नहीं डालिएगा, ये स्किप कर दीजिएगा। मैंने इसमें एक छोटी हरी मिर्च डाली है ताकि मुँह में ज़्यादा टेस्ट इसका महसूस ना हो, मिर्चें तेज़ ना लगे, कि बच्चे भी खा सकें और बड़े भी खा सकें। और आप इसे स्किप कर दीजिए। खुशबू के लिए मैं इसमें सोया डाल रही हूँ। सोया ज़्यादा नहीं डालना है, सोया बहुत कम डालना है। मैं सिर्फ एक चुटकी के हिसाब से ही, देखें हाथ में मैंने कितना लिया है, तीन उंगलियों में मेरे ये इतना सा सोया आया है। इस सोया को मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसमें जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा रोस्टेड ज़ीरा, ठीक है। हमने ज़ीरे को रोस्ट किया है, उसके बाद उसको पीस कर इसमें एक चम्मच हम ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। सूखे मसाले में ज़ीरा और नमक के अलावा कुछ भी नहीं डलता। नमक भी जब डलेगा जब आपके खाने में नमक कम हो, वरना आप बिना नमक के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप इस रायते को बिरयानी के साथ या फिर कबाब के साथ, हर एक तरह की डिशेस के साथ टेस्ट करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। नवाब हमने देखें इतना सा लिया है, ये दो चुटकी के बराबर है। टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि नमक कितना कम है, कितना तेज़ है, उसी के हिसाब से फिर आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने इसमें सिर्फ दो चुटकी के हिसाब से नमक डाला है। दो चुटकी नमक हमारा डल गया है इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी। आप पानी देख लीजिएगा हम कितना डाल रहे हैं, देखें बस इतना इसमें पानी डलेगा। ये देखिए, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा हमारा रायता बिल्कुल तैयार है, वेजिटेबल रायता। आप जिस चीज़ के साथ चाहे खाएं, ख़ासतौर पे बिरयानी, पुलाव और तहरी के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। आलू की तहरी बनाएं, स्टू यम्मी। वेजिटेबल रायता हमारा बिल्कुल तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और आप
जब रेडी कर लें, खाएं, एंजॉय करें, तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रायता आपको कैसा लगा।